नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ के एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। आज़ादी का महोत्सव है और आज व्यापारियों की ओर से आज़ादी का महोत्सव एक शाम व्यापारियों के नाम की ओर से मनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें तमाम व्यापारियों ने यहाँ पर शिरकत की है। साथ ही इस संगठन के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, से बात करते हैं और जानते हैं कि जिस तरह से 78 साल देश को आज़ाद हुए हो गए हैं, क्या सही मायनों में देश को आज़ादी मिली है या फिर नहीं। नमस्कार सर। नमस्कार, पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की बधाई। मेरा नाम विशाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल। सर, जिस तरह से आज एक शाम व्यापारियों के नाम कार्यक्रम आयोजित यहाँ पे व्यापारियों के लिए किया गया है, क्या कुछ कार्यक्रम में खास होने वाला है और 78 साल आज़ाद हुए हो गए हमारे देश को, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज़ादी का पर्व है और 78 साल हो गए हैं, आज हम इंटर कर गए हैं 78वें साल में, और बहुत खुशी का मौका है। देश तरक्की कर रहा है, कहीं ना कहीं आप पहले की अपेक्षा देखें हर चीज़ में हम आगे हैं, दुनिया के विश्व में नंबर वन बनने की कगार पे हैं, और आज उसी खुशी में हम हल्द्वानी में अपने संगठन के माध्यम से एक शाम व्यापारियों के नाम करने जा रहे हैं, जिसमें कई व्यापारियों को हम महिला पुरुष को सम्मानित करेंगे, जिन्होंने अपने समाज में अपने कार्य से एक प्रेरणा स्रोत का काम करा है। और साथ ही आज हम अपने जितने भी सदस्य हैं व्यापारी भाई जो जुड़ रहे हैं हमारे संगठन से, उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देने जा रहे हैं। साथ ही आज हमारे बीच में राष्ट्राध्यक्ष भी होंगे, जो कई घोषणाएँ करेंगे व्यापारियों के लिए, और आज सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन है, जो कि हमारे बीच में दिल्ली से सिंगर हैं, शाहजहाँपुर से हैं, कई बॉलीवुड के सिंगर भी आज अपनी देशभक्ति जो है प्रस्तुति देंगे। तो जिस तरह से आपने कहा कि सम्मानित यहाँ पे लोगों को किया जाएगा, किस क्षेत्र के वो लोग हैं और कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? देखिए, क्षेत्र तो सारे व्यापारी हैं, जिन्होंने कई संघर्ष के बिता करके जीरो से हीरो का सफर जारी करा है और एक समाज में प्रेरणा स्रोत बने हैं। कई व्यापारी ऐसे हैं, कई बीमारियों से ग्रस्त होने के बावजूद भी आज एक स्टैंड करे हैं, ऐसे आपको कई चेहरे आज एक मंच में मिलेंगे। किस तरह से लोगों का चयन हुआ आज सम्मानित करने के लिए? ये हमारी एक कोर कमेटी है जिन्होंने चयन करा, और जो ग्राउंड पे जो वर्क करती है हमारी टीम, और कई ऐसे हैं, हमने सिर्फ बड़े व्यापारी को नहीं, कई एक ऐसे भी कुछ नाम है, कई महिलाएं ऐसी हैं जो टुक टुक चला करके अपना घर व्यवसाय कर रही हैं, और कई बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी देती हैं, और कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो कैंसर से पीड़ित लड़कर आज छोटा सा अपना व्यापार कर रहे हैं और एक युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जो हिम्मत हार जाते हैं जीवन से। नमस्कार सर, जिस तरह से देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, व्यापारियों ने आज एक कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया है, आपने खुद यहाँ पे शिरकत करी है, क्या कहेंगे सबसे पहले बताइए? मैं सबसे पहले सभी प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को 78वें इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। ये स्वतंत्रता दिवस हम सबके लिए बहुत ही खुशियाँ लेकर के आने वाला दिवस है। लंबी गुलामी के बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानी देकर इस देश को आज़ादी दिलाई, हमारे तिरंगे का मान सम्मान रखा, उसकी याद में ये आज़ादी का पर्व मनाया जा रहा है। मैं विशेषकर यहाँ आज़ादी उत्सव जो आज मनाया जा रहा है, हमारे अखिल एकता उद्योग व्यापार की ओर से इनके सभी पदाधिकारियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं एक बार पुनः इस स्वतंत्रता दिवस की सबको बधाई और शुभकामना देते हुए मैं अपेक्षा करूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने की जो संकल्पना हम सबके सामने रखी है, हम सब मिलकर जब आज़ादी का 100 वर्ष हम मनाएंगे तो भारत विकसित हो, उसके लिए हम सब ने मिलकर के प्रयास करना है, हम सब लोगों ने उसके लिए मेहनत करनी है, उस दिशा में आगे बढ़ना है। सबका बहुत बहुत आभार। व्यापारियों की ओर से महिलाओं को सम्मानित आज यहाँ पे किया जा रहा है, साथ ही इंश्योरेंस पॉलिसी भी यहाँ पे निकाली गई है, कितना ज़रूरी है इस तरह से महिलाओं को सशक्त बनाना? आज भारत अगर आगे बढ़ रहा है तो उसमें मातृशक्ति की, महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, मातृशक्ति को आत्मनिर्भर होने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए जहां सरकार की ओर से, केंद्र और राज्य की सरकार की ओर से अनेक प्रकार की योजनाएँ चल रही हैं, वहीं इस प्रकार के संगठन, व्यापारी संगठन भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनका सम्मान कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए योजनाएं लेकर आ रहे हैं। व्यापारियों के मन में सुरक्षित व्यापार करते हुए उनका भविष्य सुरक्षित रहे, परिवार का उनका भविष्य सुरक्षित रहे, उसके लिए वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेकर के आ रहे हैं, उसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, जिस तरह से आज व्यापारियों की तरफ से एक शाम व्यापारियों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया, खास बात यह है कि महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? और साथ में हमारा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। एक तो मैं 78वें वर्षगांठ की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहनों के लिए, महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण तय किया गया है। उसी के हिसाब से मैंने देखा है, आप सब देख रहे हैं कि एमएसएमई के सेक्टर हो चाहे उद्योग के सेक्टर हो, वहाँ महिलाओं के लिए हैंडीक्राफ्ट और छोटे छोटे कुटीर उद्योग के माध्यम से उन्हें नए प्रोडक्ट के माध्यम से रोजगार दिया जा रहा है। ऐसे रोजगार के माध्यम से हमारी बहनें स्वरोजगार के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, अपना घर चलाएंगे, भरण पोषण भी करेंगी। और महिलाओं का तो एक मत भी है कि देश की सबसे बड़ी जो है एक आबादी उनकी भी है, तो आज ये अपने रोजगार के लिए कहीं किसी प्रकार से किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, तो सरकार ने तय किया है कि इनको किसी न किसी प्रकार से हम सब स्वरोजगार के लिए गोष्ठी भी करेंगे, आयोजन भी करेंगे और उनको एमएसएमई के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें लोन दिलाकर उनको रोजगार के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से ये कार्यक्रम आज यहाँ पे आयोजित हो रहा है, आपने खुद यहाँ पे आज आके यहाँ पे शिरकत की है, कितने जरूरी है इस तरह के कार्यक्रम महिलाओं को सशक्त बनाने के? देखिए, महिलाओं की मैंने कहा 33% का आरक्षण है, तो महिलाओं को अब स्वतः खुद घरों से निकलकर और देश के लिए, प्रदेश के, जिले के, अपने परिवार के लिए स्वयं खड़ी होकर और साथ ही साथ सरकार के साथ समन्वय बनाकर, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ समन्वय बनाकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो भी वो चाहती है उनका सभी, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट के माध्यम हो, चाहे पापड़ का हो, अचार का, किसी प्रकार का काम करना चाहती है उसमें सरकार और एडमिनिस्ट्रेटिव का सहयोग करेगी और महिलाओं को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। नमस्कार। नमस्कार मैम, आपका नाम? मेरा नाम माला आर्या है और मैं व्यापारी मंडल में उपाध्यक्ष के पद पे हूँ। मैम, जिस तरह से व्यापार मंडल की ओर से महिलाओं के लिए एक उत्कृष्ट कार्य यहाँ पे किया गया है, महिलाओं को सम्मानित यहाँ पे किया जा रहा है, आप किस तरह देख रहे हैं, कितने ज़रूरी है इस तरह के कार्यक्रम महिलाओं के लिए? मैम, ये महिलाओं के लिए तो आपको पता है आजकल सब चीज़ महिलाओं के लिए, मतलब पहले के टाइम पे देखिए और अब की देखिए कि महिलाओं के लिए हर चीज़ के लिए हम उत्साह हो रहे हैं कि महिलाओं के लिए इतना सब सोच रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। और हमारे यहाँ इंश्योरेंस भी हो रहा है महिलाओं का और इतना अच्छा प्रोग्राम है, ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई फंक्शन हो रहा है, मतलब 15 अगस्त हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई फेस्टिवल हो रहा है बड़ा सा, तो महिलाओं के लिए काफ़ी हम उत्साहित हैं। और जिस तरह से महिलाओं के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ पे शुरू की गई है, इसको कितने ज़रूरी देखिए? इसको बहुत ज़रूरी है हमारी, क्योंकि हमारी आजकल तो आपको पता ही है ना कि इंसान का कोई भरोसा तो है नहीं, तो इसलिए अपनी सिक्योरिटी, अपनी सिक्योरिटी की उससे हम इंश्योरेंस करना चाहिए, सबको करना चाहिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जिस तरह से व्यापारियों की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया है, एक शाम व्यापारियों के नाम, आपने खुद यहाँ पे शिरकत की है, महिलाओं को सम्मानित यहाँ पे किया जा रहा है, कितना जरूरी है? देखिए, व्यापारियों द्वारा समय समय पर बहुत से आयोजन किए जाते हैं और बड़े उत्कृष्ट आयोजन किए जाते हैं, उसी क्रम में एक शाम आज़ादी के नाम, व्यापारियों के नाम और महिलाओं को सम्मानित करने का जो कार्यक्रम है अपने आप में उत्कृष्ट कार्यक्रम है। मैं व्यापारी एसोसिएशन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ और हम सब उनके साथ इन आयोजनों में सहभागी रहते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से महिलाओं के लिए सम्मानित कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है, इंश्योरेंस पॉलिसी आयोजित की गई है, कितनी ज़रूरी है इस तरह की पॉलिसीज महिलाओं के लिए या किसी के लिए? देखो, इंश्योरेंस आज की डेट में एक वक्त की, समय की मांग है, मेडिकल इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, ये व्यक्ति को, उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है और ये नियोजन की बातें होती हैं, परिवार के नियोजन अगर इस तरह से करें तो कठिनाई के समय में परिवार उभर जाता है, तो मैं सबको प्रेरित करना चाहता हूं कि इंश्योरेंसेस, अच्छे इंश्योरेंसेस और जानकार लोगों से करें, मेडिकल इंश्योरेंस बहुत मस्त है और लाइफ इंश्योरेंस भी मस्त है। नमस्कार सर, आपका नाम? महेश शर्मा। सर, जिस तरह से व्यापारियों की ओर से एक शाम व्यापारियों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया, महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है, क्या कहेंगे सबसे पहले? देखिए, ये हमारे व्यापार मंडल वाला एक अच्छी शुरुआत की है और महिलाओं को आगे आने का एक मौका दिया जा रहा है और जो अभी बीमा की पॉलिसी के बारे में जिनमें बताया गया, इसमें व्यापारी हितों की रक्षा होगी और हमारी मातृशक्ति में आगे बढ़ के आएगी। मैं सबको शुभकामना देता हूँ, क्योंकि आज 15 अगस्त है, हमारे देश की आज़ादी का दिन है, तो इस अवसर पर मैं व्यापार मंडल जिनने इस आयोजन को आयोजित किया और काफ़ी हर वर्ग का लोग यहाँ पर पहुँच रहा है, मातृशक्ति भी पहुँच रही है
और इसमें निश्चित तौर पर मात सती के हितों की रक्षा होगी और ये अच्छी पहल है। इंश्योरेंस पॉलिसी जिस तरह से शुरू की गई है, कहीं भी इस तरह की पॉलिसी हमने कहीं नहीं देखी है, पहली बार इस तरह की पॉलिसी व्यापार मंडल में हम देख रहे हैं, इस पर क्या राय है? नहीं, बहुत ही अच्छा, ये मैं इसका जितना स्वागत करूँ, क्योंकि अब ये पहले तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि जो उन्होंने यहाँ पर घोषणा की है उसमें वो सफल हों, क्योंकि और अगर उसमें सफलता अगर वो होते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी मातृशक्ति को उसमें बहुत अच्छा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और एक रोजगार सुरक्षित होगा। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, जिस तरह से व्यापारियों की तरफ से तो भव्य कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया, आपने खुद यहाँ पे शिरकत की है, सबसे पहले बताइए क्या कहेंगे? अखिल एकता व्यापार मंडल द्वारा उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो आज आयोजन किया जा रहा है, आज़ादी के पर्व पर आयोजन किया जा रहा है, मैं सबसे पहले इस प्रदेश के अध्यक्ष विशाल शर्मा जी को बधाई देता हूँ, उनकी टीम को बधाई देता हूँ कि आज आज़ादी की संध्या पर इन्होंने ये कार्यक्रम हल्द्वानी में किया, इसमें हल्द्वानी के समस्त सम्मानित व्यापारीगण उपस्थित हैं और इनका संगठन पूरे भारतवर्ष में है, हर राज्य में स्थित है और वह हमेशा व्यापारियों के उत्पीड़न और उनके समाधान के लिए एकजुट होकर खड़ा रहता है। उन्होंने व्यापारियों से आश्वासन किया, मैं आशा करता हूँ कि वह आगे जो व्यापारियों की समस्या होती है उसका निराकरण करेंगे, यही आशा करता हूँ। इंश्योरेंस पॉलिसी भी इन लोगों से शुरू की गई है, इसको किस तरह देख रहे हैं कि कितना जरूरी है? क्या चीज़ है? इंश्योरेंस पॉलिसी। हाँ, एक इन्होंने बहुत अच्छी पहल करी है इस व्यापारी मंडल ने, यूनियन ने, जो मैंने सुनने में आया कि इन्होंने हर व्यापारी का 2 लाख का इंश्योरेंस करने का किया है, मैं देख रहा हूँ कि ये पहली बार ऐसा सुनने को मिला है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि हमारे व्यापारी भाई छोटे भी गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, हर प्रकार के होते हैं, और जो इन्होंने इनके लिए 2 लाख का इंश्योरेंस का प्रावधान रखा है, यह बहुत सराहनीय है, आशा करता हूँ कि ये सबको लाभप्रद होगा। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? डिंपल पांडे। सर, जिस तरह से अखिल उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से आज एक शाम व्यापारियों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया है, सम्मानित महिलाओं को यहाँ पे किया जाने वाला है, साथ ही कुछ अन्य जो सुविधाएं हैं वो भी आगे दी जाने वाली है, क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, कार्यक्रम में ये तो है कि जो हमारी सदस्यता, जो भी हमारे व्यापार मंडल से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी नए व्यापारी सदस्य बनते हैं, तो उनके लिए एक इंश्योरेंस की हम लोग यहाँ पे पॉलिसी दे रहे हैं सदस्यता के ही शुल्क में, ऐसा नहीं है कि हम उनके लिए पॉलिसी के लिए एक्स्ट्रा अलग से पैसे मांग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सदस्यता शुल्क में ही एक हम इंश्योरेंस दे रहे हैं। दूसरा क्या है, जो हम जितने भी हमारे जो शहर के जो फर्श से अर्श पर गए हैं, उन लोगों को हम लोग सम्मानित करें, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे उनका छोटा कारोबार है, चाहे बड़ा कारोबार है, उससे मतलब नहीं, अगर वो फर्श से अर्श पर गए हैं तो किसी वजह से गए हैं, उनके पीछे उनकी मेहनत है, उनका डेडिकेशन है, तो उसके लिए हम उनको सम्मानित कर रहे हैं। तो लगभग कितने लोगों को आज सम्मानित किया जा रहा है? लगभग 25 से 30 लोग हैं आज हमारे, जिनको हम लोगों ने पूरे शहर के, को हमारी कोर कमेटी ने जिनको चिन्हित करा है, तो 25 से 30 लोग हैं करीब, उनको हम सम्मानित करेंगे। और इंश्योरेंस की आपने बात करी, ये कितने लोगों का किया जा रहा है? देखिए, ये कम से कम अभी तो हमारा जो टारगेट है अभी तो 100-150 लोगों का है फिलहाल, जो हमारे सदस्य बने हैं वो तो हमारे 100 से ऊपर हैं, वो तो हमारे होंगे ही होंगे, उसके अलावा भी हम लोग और जो भी सदस्य बन रहे हैं उनको भी हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी देंगे। आज़ादी का दिन है सर, 78 साल आज़ादी को हुए हो गए हैं, क्या कहेंगे 78 साल में कितना आज़ाद हो पाया है देश? देखिए, आज़ादी की अगर बात करी जाए एज ए एक व्यापारी की तरह या एक एक सामान्य नागरिक के हिसाब से देखा जाए या सोचा जाए, तो जिस तरह से हमारे देश को आज़ाद होने के बाद जो विकास होना चाहिए था वो अभी तक धरातल पर नहीं है, और चाहे कोई भी सरकार रही है उन्होंने सिर्फ अपना भला देखा है, व्यापारियों का भला नहीं देखा, आम जनमानस का भला नहीं देखा। जिस दिन आम जनमानस, जिस दिन ये हो जाएगा जिसको 2 वक्त की रोटी मिलने लगेगी और वो रोटी के लिए परेशान नहीं होगा, तब हम मानेंगे कि हमारा देश सही माल में स्वतंत्र हो। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम? अनुजकांत अग्रवाल। सर, जिस तरह से आज़ाद हुए हमारे देश को आज 78 साल हो गए हैं और एक शाम व्यापारियों के नाम कार्यक्रम अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल यहाँ पे कर रहा है, कार्यक्रम में क्या कुछ खास आज पूरे दिन में होने वाला है? खास तो ये होना है कि ये यादगार पल है और इसको विशेष तौर पे कभी किसी संगठन ने ऐसा यादगार पल नहीं बनाया, लेकिन हमारा जो संगठन है इसको व्यापारियों के हित के लिए ही काम करने के लिए ही इसको यादगार बना रहा है, और दूसरा ये है कि किसी भी संगठन ने आज तक कभी इंश्योरेंस नहीं करा, लेकिन हमारा संगठन सब सदस्यों का इंश्योरेंस कर रहा है। ये किस तरह से आइडिया है कि इंश्योरेंस किया जाएगा और जिस तरह से सम्मानित आज लोगों को किया जा रहा है, किस तरह से विचार आया? वो विचार इसलिए आया है कि जो सम्मानित लोग हैं उनका सम्मान करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों को उन्हीं से ही बल मिलता है, और इंश्योरेंस का आइडिया इसलिए आया है कि व्यापारी को के पास सब चीज़ है
लेकिन उसको ये याद ही नहीं रहता कि मुझे भी इंश्योरेंस करना है। तो हम उसको उनको जागरूक करके उनको इंश्योरेंस करा के उनकी भविष्य के लिए सोच रहे हैं। ये पॉलिसी, अगर मैं बात करूँ इंश्योरेंस पॉलिसी, कितने लंबे वक्त की होगी? ये 2 साल की है फिलहाल, और लेकिन ये आगे धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, जैसा इसका रिन्यू करते जाएंगे वैसे वैसे बढ़ती चली जाएगी। महिलाएं इस वक्त ऐसा मौजूद हैं, चलिए महिलाओं से बात करते हैं और जानते हैं जिस तरह से इतना अच्छा कार्यक्रम आज यहाँ पे व्यापारियों की ओर से किया गया है, क्या कुछ इनका कहना है। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम? मेघा जोशी। मैम, जिस तरह से आज अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल की ओर से इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित किया है, आपने खुद यहाँ पे शिरकत करी है, क्या कहेंगे? मैम, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। आज आज़ादी के इस पावन पर्व पर हम लोग व्यापारियों के लिए पहली बार हल्द्वानी में इंश्योरेंस कराने जा रहे हैं। ये अभी के साथ साथ जो आगे भी व्यापारियों को किसी भी दिक्कत में, किसी परेशानी में जब हम खड़े नहीं हो पाते तो वो इंश्योरेंस उनके काम आएगा। और इसे मातृशक्ति भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि उनकी भागीदारी बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ है, और हम स्वयं चाहते हैं कि महिलाएँ इससे जुड़ें और इसका लाभ उठाएँ। चलिए ठीक है, मैम आपसे बात करें। नमस्कार, मेरा नाम काजल खत्री है, और आज हमारे यहाँ व्यापारी सम्मेलन हो रहा है, और यहाँ पे जो है हमारे जितने भी यहाँ के व्यापारी हैं उनको हमने सम्मानित करने के लिए बुलाया, और जितने प्रतिष्ठित हमारे समाज सेवी हैं उनको भी, और यहाँ पे हमने एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी यहाँ पे करी हुई है जो फर्स्ट टाइम मतलब व्यापार मंडल में हो रही है, पहले भी इतने व्यापार मंडल रहे हैं, तो यहाँ पे हमने इंश्योरेंस पॉलिसी करी है 600 से 700 से 300 से, तो हमारे 5 लाख की जो पॉलिसी है वो आपकी 700 की है, और 3.5 लाख की जो हमारी वो 400 की है, तो वो पॉलिसी जो वन टाइम पेमेंट करना है, और वन टाइम पेमेंट करने के बाद उसको उतनी पॉलिसी उसको मिलेगी 5 लाख की और 3 लाख की, 400 में 3 लाख की और 700 में 5 लाख की। हाँ, तो हमारा यहाँ पे कि हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे आपने देखा होगा महिलाएं बहुत शिरकत कर रही हैं, और व्यापार मंडल से महिलाएं बहुत जुड़ रही हैं, तो हम चाहेंगे जितने भी महिलाएं हमारी व्यापारी महिलाएं हैं वो हमारे व्यापार मंडल से जुड़ें, और हमारे जो व्यापार मंडल को सशक्त बनाएं संगठन, क्योंकि बिना संगठन के कोई कार्य नहीं होता है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा संगठन जो है यहाँ हल्द्वानी शहर में बहुत अच्छा काम करे, और हम अपने व्यापार मंडल को और अपने संगठन को ऊँचा से ऊँचा लेके जाएंगे, इसका नाम होगा ये आप आने वाले वक्त पे देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। मैम हमारे साथ मौजूद है, नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम योगिता है। जिस तरह से मैम महिलाओं के लिए इतनी अच्छी पॉलिसी आज उद्योग व्यापार मंडल यहाँ पे लेकर आया है, कितना जरूरी था और कितना पहले आ जाना चाहिए था इस तरह की पॉलिसी को, और 78वां जो स्वतंत्रता दिवस अभी मनाया जा रहा है, इस पर क्या? मैं तो ये कह रही हूँ कि क्या बोलते हैं, पहली बार हमारे संगठन, हमारा विशाल शर्मा जी जो हैं अध्यक्ष यहाँ के, उन्हें एक नेक पहल की है, और अब तो इस तरीके से पहली बार ऐसा हुआ है कि व्यापार मंडल में पॉलिसी हुई है, लाइफ इंश्योरेंस हुआ है, तो इसमें हम सब महिलाएं जुड़ी हैं, और मुझे लगता है कि हर किसी को इसमें भागीदारी लेनी चाहिए और हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि महिला एकता बहुत बड़ी चीज़ है, अगर नारी शक्ति एक साथ रहेगी तो कोई भी, चाहे वो व्यापार मंडल है चाहे वो कोई भी संगठन है, अगर एकजुटता रहेगी तो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। थैंक यू मैम। जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से महिलाओं का और जो उद्योग व्यापार मंडल के लोग थे उनका कहना है कि आगे आने वाले समय में और अच्छे काम उनकी ओर से किए जाएंगे, साथ ही यहाँ पे आज लोगों को सम्मानित किया गया, महिलाओं को सम्मानित किया गया, इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ पर जो है शुरू की गई है, साथ ही मुख्य अतिथि के तौर पर हमने आपकी बात कराई सुरेश भट्ट जी से, जिनका कहना था कि बहुत अच्छी पहल है और आगे वाले समय में इस तरह की जो पहले हैं वो होनी बेहद जरूरी है। तो ये थी ग्राउंड जीरो से जेजेएन की खास रिपोर्ट, मैं निशा अपनी सहयोगी पूजा के साथ, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।